हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बलाज और आप देख रहे हैं बलाज यूनिवर्स। पिछले पार्ट में पार्ट 3 जो था उसमें हमने देखा था कि लड़कियों को किताब मिलती है एक बेसमेंट से और वो लेकर आ जाता है। उसमें दांत बने होते हैं लेकिन वो उसका खून पीने के बाद फिर वो खुलती है। उसकी बहन डर रही होती है और कहती है कि बंद कर दो इसको किताब को और इसको वापस रख कर आओ। तो वो उस टाइम तो बंद कर देते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो लेट्स स्टार्ट। मुझे ठीक नहीं लग रहा डैनी, तुम इसे वापस रख के आओ अभी। आज रात तो मॉम हमें घर से बाहर भी नहीं जाने देंगे। तो सुबह होते ही काम करेंगे, समझे? ये नहीं सुधरेगा, ये सुधरने वाली चीज ही नहीं लग रही। तुम डाइविंग करने जा रही हो? अंदर जाने से पहले तैयार रहना जरूरी है। एक बार बीच पे मुझे जेलीफिश ने काट लिया था और तब से मुझे पानी पसंद नहीं है। मुझे नहीं लगता हमारे टब में कोई भी जेलीफिश है। मुझे भी पीट कर बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ये नहीं सुधरेगा, ये नहीं सुधरेगा। किताब के बाद अब ये सीडी पे स्टार्ट होगी। गुड आफ्टरनून मेरे सहभागी दोस्तों, मैं हूं फादर मार्कस नेल्सन। हम लोग यहाँ एसटी पैट्रिक कैथेड्रल में इकट्ठा हुए। आप लोगों को यहाँ बुलाए जाने की वजह जानना चाहते होंगे। हम लोग यहाँ एक खास आर्टिफैक्ट का परीक्षण करने आए हैं जिसे कुछ ही समय पहले खोजा गया। मुझे ऐसा लगता है, मैं बताना चाहूंगा, मुझे लगता है ये 3 प्राचीन किताबों में से एक है। मृत लोगों की किताब द बुक ऑफ डेड। जहां तक मुझे जानकारी मिली है इस किताब का बाहरी हिस्सा मांस से बना है। इसका लेख पुरानी भाषा में लिखा है। ये किताब श्रापित है। मैं इस किताब के रहस्य को सुलझाने के लिए चर्च से अनुमति चाहता हूँ। इस किताब से शैतान तुम्हारे ऊपर हावी हो चुका है, पर इस किताब से हम उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। चर्च ने मेरी प्रस्ताव को ठुकरा दिया और मैंने इस किताब के बारे में जानने का फैसला कर लिया था। मैं इस किताब का अपने भाषा में अनुवाद करना चाहता था। इस किताब के पन्नों में कुछ रस्में और मंत्र लिखे हुए जिन्हें पढ़ने से शायद इसमें छुपा शैतान बाहर आने का रास्ता ढूंढकर किसी आत्मा पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। पर मुझे उन मंत्रों का उच्चारण करके परिणामों को देखना ही होगा। मैं फादर मार्कस नेल्सन इस किताब के शुरुआती पन्नों में लिखे आत्माओं के आजाद करने के मंत्र पढ़ने जा रहा हूं। कांडा।
बैठ जी आवाज बड़ी खतरनाक किस्म की थी, मेरे कान भी झरना रहे थे। पहली बात तो ये, दूसरा ये कि क्या कहते हैं, कॉपीराइट का भी थोड़ा सा इशू था, तो ये साउंड बंद है, ये मंत्र वाला साउंड बंद है। वो मंत्र पढ़ दिया मेरे ख्याल से इसने, और इसकी माँ नीचे ही जा रही है, रास्ता मंत्र की तरफ ही आ रहे होंगे। ऐसा लग रहा है इसके अंदर घुस गया है चटा, ऐसा फील हो रहा है मेरे को, क्योंकि आने का रास्ता वो था जो उसके रास्ते में आ रही थी। इसी के साथ होती है वीडियो खत्म। आप लोगों ने देखा कि वो लड़का बाज नहीं आता, उसकी बहन जबकि बोल देती है कि हम इसको वापसी रख के आएंगे, लेकिन वो बाज नहीं आता। दोबारा किताब खोलता है, सीडी लगा के देखता है, सीडी में बताते हैं कि ये किताब बहुत रहस्यमयी है यानी, और इसमें पहले ये इजाजत लेता है इसके मंत्र वगैरह पढ़ने के लिए, तो वो मना कर देते हैं, लेकिन ये फिर भी मंत्र पढ़ने का कहता है, कोई फादर होता वो। तो जब मंत्र स्टार्ट होता है तो वो बंद तो करता है लेकिन वो बंद ही नहीं होता, और वो शैतान सारे जिंदा हो जाते हैं, और वो शैतान इसकी तरफ भागने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में इसकी मॉम कहीं जा रही होती है, रास्ते में लिफ्ट से नीचे उतर रही होती है, तो उसके रास्ते में आ जाते हैं। मेरे ख्याल से तो वो उसी में घुस गई है, अब पता नहीं अगर उसमें घुस गई होती तो उसमें मारता क्यों, अब उसको मार रहा है, अजियत दे रहा है। तो गाइज यहीं तक थी वीडियो, यहीं तक था ये पार्ट, अगले पार्ट में देखते हैं क्या होता है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मैं हूँ बलाज, अल्लाह हाफिज़।